नमस्कार, मैं हूं धीरेंद्र अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्राइम रिपोर्ट। आतंकियों की नजर एक बार फिर कश्मीर पर है। राज्य की सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें सभी पर्यटकों से कश्मीर घाटी से निकलने के लिए कहा गया है, जिसके बाद हर तरफ माहौल गर्म है। आतंकी हमले की भी आशंका जताई गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमले का खतरा, बीच में ही रोकी गई अमरनाथ यात्रा। पर्यटकों को भी कश्मीर खाली करने को कहा गया। बड़ा सवाल, क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। संभावित खतरे और आतंकी हमले को देखते हुए राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी कर यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है और यात्रियों को वापस जाने की हिदायत दे दी गई है। दरअसल सुरक्षा बलों को अमरनाथ यात्रा के रूट पर सर्च ऑपरेशन के दौरान स्नाइपर राइफल मिली है, जिसके बाद यात्रा रोकने का फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी सुरक्षा एडवाइजरी में कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमलों के इनपुट मिलने और कश्मीर की सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए घाटी में तत्काल प्रभाव से सभी तरह की यात्राएं रोकी जा रही हैं। अमरनाथ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा को तुरंत खत्म करें और जितनी जल्दी हो सके घाटी छोड़ दें। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा के रूट पर आतंकियों के ठिकाने से सर्च ऑपरेशन के दौरान एक अमेरिकन स्नाइपर राइफल M24 बरामद की है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। सरकार के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर का माहौल गर्म है, सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। आर्मी को हाई अलर्ट करने की पीछे जो मंशा है वो क्या है? कोई ये कहता है कि आर्टिकल 35A को जो है वो हटाया जाएगा, कोई कहता है चुनाव करवाए जाएंगे, कोई कहता है डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में करवाया जाएगा। इस किस्म के क्यास जो है वो लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी एक फेयर साइकोसिस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो रियासत के लिए सही नहीं होगा। तो भारत सरकार को जो भी कदम उठाना है, ये जो उनकी मंशा है, उसको ना केवल क्लियर करना चाहिए बल्कि जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई भी करनी होगी ताकि सामान्य हालात जो है वो बहाल हो सके जम्मू कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान और चीन अगर भारत देश के खिलाफ जम्मू कश्मीर के अंदर कोई षड्यंत्र करने की सोच रहा है, कोई साजिश कर रहा है, तो उसका जवाब भी तो हमको देना है ना। इसलिए जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कश्मीर घाटी के अंदर इस समय है, एक तो जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको ये जानकारी है कि पाकिस्तान के आतंकवादी कोई साजिश करके बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। लगातार सीमा पर सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, इसलिए भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। और साथ ही साथ 15 अगस्त का आने वाला हमारा जो नेशनल फेस्टिवल है उसके लिए भी तैयारी है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों के अंदर चुनाव हो सकते हैं, चुनाव आयोग ने इस पर निर्णय लेना है, इसलिए भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने ट्वीट कर नाराजगी और चिंता जताई है। उन्होंने लिखा है, सीरियसली हमने सोचा है कि एक सरकारी आदेश से पर्यटक जल्दी ही घाटी छोड़कर भागने लगेंगे। कितने पर्यटक इस आदेश को देखकर भागने लगेंगे? लोगों के भागने से एयरपोर्ट और हाईवे पर जाम लग जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से हल्की उथल पुथल देखी जा रही है। शुक्रवार को सुबह कुछ घटनाओं की वजह से बॉर्डर पर तनाव में इजाफा हुआ। पिछले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 10,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई थी। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले जवानों की कई और भी टुकड़ियां भेजी गई हैं। जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए घाटी में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। दहेज ने आज तक ना जाने कितने लोगों के घर तबाह कर दिए। आज फिर इसी दहेज के लालच में एक युवती की जान चली गई, एक घर को सूना कर दिया। यूपी के बुलंदशहर में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक पति का खूंखार चेहरा सामने आया। यहां पर एक नवविवाहिता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतका के ससुराल पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है और हत्यारोपी पति को हिरासत में ले लिया है।
तस्वीर है जहंगीराबाद कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली जोया की, जिसकी पीट पीट कर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि जोया के मैके पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग पूरी नहीं की थी। दरअसल शिकारपुर की रहने वाली जोया का निकाह जगीराबाद के गांव सासनी में रहने वाले अब्बास के साथ 4 महीने पहले हुई थी। आरोप है कि निकाह के वक्त अपनी सामर्थ्य से अधिक दान दहेज और कार तक दी गई थी, मगर ससुराल पक्ष के लोग दोबारा दहेज की मांग करने लगे और पूरी न होने पर जोया को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उस लड़के की अभी 3-4 महीने पहले अपनी भतीजी की शादी की और अपनी हैसियत से बढ़कर उसको बहुत कुछ दिया, उसकी मनपसंद गाड़ी दी जैसी वो चाहता था, हमने दहेज 15-16 लाख रुपए की शादी की थी, लेकिन उस लड़के की आए दिन डिमांड थी, वो बच्ची को मारता था पीटता था, 50,000 भिजवाओ, 10,000 भिजवाओ, 20,000 भिजवाओ, अभी 4 दिन पहले भी 50,000 रुपये लेके गया, मेरी भाभी ने मुझे नहीं बताया। अब आगे जब उस लड़की ने फ़ोन किया कि अम्मी जल्दी आ जाओ मुझे मार देंगे लोग, जब वहाँ मौके पर पहुँची तब उसने हमें फ़ोन किया तो वो मरी भी पाई गई। वो पोजिशन उसकी ये थी, उसके गले पर फांसी के फंदे के निशान थे और उसने उस फंदे के निशानों को छुपाने के लिए, अपने आप को हत्या से बचाने के लिए उसको गाड़ी पर ले आकर नीचे सड़क पर गिरा के एक्सीडेंट की पोजिशन दिखाई, लेकिन मौत की अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बताएगी वो सच्चाई सामने आ जाएगी। उस पर बिल्कुल फांसी के फंदे के निशान गले पे बने हुए हैं और हमें पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि वो हमारा साथ देगा। पुलिस ने जोया के पति अब्बास और उसके जेठ और जेठानी सहित 3 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करके मामले की जाँच में जुट गई है और हत्यारोपी पति अब्बास को हिरासत में ले लिया गया है। दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया है। घटना ये है कि 4 माह पहले एक महिला की शादी हुई थी और उसकी जो डेड बॉडी है वो एक संदिग्ध अवस्था में पाई गई। उसके मायके वालों और परिवारिक जन की शिकायत पर दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है उसके पति को, जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल सोचने वाली बात ये है कि सरकार ने दहेज उत्पीड़न के खिलाफ कितने भी कानून क्यों ना बना रखे हों, लेकिन आज भी लोग दहेज का दंश झेल रहे हैं। एक तरफ सरकार ने 3 तलाक पर कानून बनाकर महिलाओं को आजादी तो दिला दी, लेकिन अभी भी दहेज जैसे अभिशाप लोगों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। अभी महिलाओं को इन सभी से आजादी दिलानी है। लाइव टुडे के लिए बुलंदशहर से कपिल सिंह की रिपोर्ट। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको रूबरू कराएंगे कुछ और वारदातों से, देखते रहिए क्राइम रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के मेवला भट्टी गांव में बीती मंगलवार शाम को घर से लापता 9वीं कक्षा की छात्र का शव बुधवार देर शाम गांव के जंगल में मिला तो चारों तरफ मातम पसर गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने गुमराह करने के लिए घटना को अपहरण का रूप देने की कोशिश करते हुए छात्रा के परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी, जिसके बाद पैसे न मिलने पर छात्र की हत्या कर दी गई। इसमें आज एक नया खुलासा हुआ है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेवला भट्टी गांव में अनिल कुमार परिवार के साथ रहते हैं। वो लोनी रेलवे कंटेनर ICD में काम करते हैं। इनका 14 वर्षीय बड़ा बेटा चमन पासी चिरौड़ी स्थित एक स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था। पुलिस के अनुसार मृतक छात्र चमन मंगलवार शाम गांव के ही एक मंदिर में भंडारे में गया था और वहां से अचानक गायब हो गया और घर लौट कर नहीं आया, जिसके बाद घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आरोप है कि मृतक चमन के दोस्तों ने बुधवार सुबह छात्र के पिता अनिल से फोन कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। धमकी मिलने पर परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। परिवार के लोग पुलिस के साथ मिलकर छात्र की तलाशी में लग गए। शाम करीब 7 बजे मेवला भट्टी गांव के जंगल में छात्र का शव मिला, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहां पे गए, वो लड़का तो वही था उसका दोस्त, फिर दूसरे के साथ गए वे बाहर मिला तो कुछ कंफर्म नहीं किया जी, उसके बावजूद ढूंढे मची गई। ऐसा सुनने में आ रहा कि फिरौती के लिए कोई कॉल आई थी क्या? फिरौती के लिए आज फोन आया 2:30 बजे। 2:30 बजे किसका कॉल था, कुछ जानकारी है उसकी? अरुण गांव का लड़का है। गांव का है, यहीं यहाँ के बसे हैं। अच्छा, तो उसने नाम बताया था आपको? नाम नहीं बताया, उसने फ़ोन किया कि 20 लाख रुपये दे दो,
लड़का मिल जाएगा। अच्छा, कुछ समय भी दिया था क्या? उसने कहा कल शाम को 5 बजे पैसे का इंतजाम कर दें, लड़का मिल जाएगा। मैं ठीक है, मैंने तुरंत प्रधान जी को बुलाया, कार्रवाई करी, फोन अटैच करवाया। पुलिस से शिकायत की थी अपना? जी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चमन की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्तों ने ही की है, और दोस्तों ने मंगलवार रात उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने हत्या के कारणों को छुपाने के लिए बुधवार को फिरौती मांग कर इसे अपहरण का रंग दे दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी मृतक के 3 साथी शेखर, अरुण और प्रवेश को गिरफ्तार कर लिया है। 30 जुलाई को समाधि बाबा का मंदिर है लोधा भट्टी में, वहाँ से एक लड़का गायब हो गया था दोपहर बाद, जिसको उसको साथियों ने गायब कर दिया था। वहाँ से भैला फुसला के उसको ले आए थे और उसकी हत्या कर दी गई थी जवाहर खेत में। कल शाम को 7:50 पर डायल 100 की सूचना और गाँव वालों की सूचना पर डेड बॉडी को बरामद किया गया तथा तीनों अभियुक्तों को आज 11 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में ये 3 अभियुक्त हैं, अरुण, प्रवेश और शेखर, ये शामिल थे। इनका कहना यह है कि चमन जो है हम लोगों पर रौब दिखाता था अपने पैसों का और चिढ़ाता था बराबर कि तुम लोग कम पैसे वाले हो हमको। देखो, इस बात से इन लोगों ने चिढ़ थी और इन्होंने प्लानिंग के तहत इसकी हत्या। आरोपियों ने बताया कि मृतक उन्हें अपने अमीर होने का ताना देकर चिढ़ाता था, उसे सबक सिखाने के लिए मंगलवार को नशे की गोलियां मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई। ओवरडोज होने पर हालत बिगड़ी तो भयभीत होकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और पुलिस से बचने के लिए फिरौती की मांग की, ताकि पुलिस का ध्यान अपहरण और रंगदारी की तरफ चला जाए और वो बच जाए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद से जावेद चौधरी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको रूबरू कराएंगे कुछ और वारदातों से, देखते रहिए क्राइम रिपोर्ट। शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर एक दंपत्ति को गोली मार दी। दोनों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यूपी में दबंगों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर दंपत्ति को मारी गोली, दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। घटना के बाद जागी पुलिस। यूपी में किसी को गोली मार देना अब आम बात हो गई है। ताजा मामला शाहजहांपुर का है। यहां दबंगों ने एक बुजुर्ग दंपत को मामूली सी बात पर गोली मार दी। गोली लगने से बुजुर्ग पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। घटना निगोही थाना क्षेत्र के भटेवरा पृथ्वीपुर गांव का है, जहां नन्ही लाल के घर जय गुरुदेव का कार्यक्रम चल रहा था, जिसका लाउड स्पीकर घर की छत पर रखा गया था। उसी को बंद कराने के लिए गांव के कुछ दबंग नंदलाल के घर में घुस आए और लाउड स्पीकर को बंद कराने के लिए कहा। जब नंदलाल ने लाउड स्पीकर बंद करने से मना कर दिया तो गांव के दबंग तेज बहादुर, राम अवतार और श्री कृष्ण आग बबूला हो गए, जिसके बाद उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे नन्हे लाल और उसकी पत्नी को गोली लग गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों का इलाज किया जा रहा है। हम लोग शासन कार्यक्रम शुरुआत होने वाली है, इंतजाम करते हैं। तब तक और उनके घर वाले गोली चलने लगे, बात कतई कुछ कोई बात ही नहीं हुई, दारू पिए गए और हम कुर्सी पर बैठ गए। तो यार भरदेव चेला पत्र खड़े भाई, खड़े भाई खड़े हो मन में दवाई जो है आगे गोली लगी। सत्संग हो रहा था, वो सत्संग के वहाँ सत्संग कर रहे थे, जैसे अब वो आए कहते यहाँ सत्संग नहीं होगा, तभी जगह झगड़ा होगा, तभी उन्हें गोली चला दी। किसके किसकी गोली लगी? बिमला देवी की।
इस घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। थाना निगोई के पृथ्वीपुर भटपुरा गांव में आज दो पक्षों में जो है कहासुन हुई, उसके बाद में एक फायरिंग हो गई जिसमें दो लोग घायल हो गए हैं। इस संबंध में थाना निगोही पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है, लेकिन एक बार फिर सवाल यूपी की कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं और सवाल इस बात का है कि दबंगों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए जो किसी के घर में घुसकर गोली मार दी, और क्या पुलिस दबंगों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है? क्या दबंग ही पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं जो रोजाना कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं? लाइव टुडे के लिए शाहजहांपुर से शदाब खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मासूम बच्चों के साथ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजियाबाद में स्कूल से घर जाते वक्त 9वीं क्लास की 3 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई। छात्राओं का आरोप है कि उनका वीडियो बनाने की भी कोशिश की गई और जब लोगों ने ऐतराज किया तो उनके साथ मारपीट की गई। उत्तर प्रदेश में मासूम बच्चों के साथ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजियाबाद में स्कूल से घर जाते वक्त 9वीं क्लास की 3 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई। छात्राओं का आरोप है कि उनका वीडियो बनाने की भी कोशिश की गई और जब लोगों ने ऐतराज किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। स्कूल से आ रहे थे तो जो हमारी गली के लड़के, उन्होंने उल्टा समझ के हमें ऑटो में और धक्का दिया। हम ऑटो से उतरने वाले थे, उन्होंने सोचा कि हम गलत काम कर रहे हैं कुछ। उन्होंने कहा कि तुम पहले तो अपना डाटा हटाओ, हमारी वीडियो बना के वायरल कर दी। उन्होंने हम घर जाने लगे तो हमारे पीछे और दो लड़के भेज दिए उन्होंने। पहले तो उन्होंने बोला कि आप घर जाओ, फिर हमारे पीछे और दो लड़के भेज दिए, हमारे बैग वैग छीनने लगे वो। हाँ जी, हम थाने में कल से बैठे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। हम स्कूल से आ रहे थे, ये हमारे साथ बदतमीजी करी गई है और इस सब के दौरान हमारे घर वालों को भी धमकी दी जा रही है। कौन लोग थे? हम जानते नहीं हैं कौन लोग थे। आपने इसमें संबंध में थाने में कंप्लेंट की? हाँ की। उन्होंने क्या किया अब तक? हमारी कोई नहीं सुनना, कल से पढ़े हम, हमारी फैमिली और हम कल से हैं थाने में। हाँ, कुछ नहीं, बदतमीजी करी है और हमारे रैंक के बैंक के भी खींचे हैं, वीडियो बना रहे थे। कौन लोग थे? कितने लोग थे? वो दो लोग थे। नो सर, थाने में किया सर। कल से थाने वालों ने, अभी कुछ नहीं हो रहा। घटना सरकारी स्कूल के पास की है जहां पर कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी भी है। लिहाजा जब इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तब पुलिस ने 3 में से 1 मनचले को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, बाकी 2 आरोपी फरार हो गए। जबकि पुलिस पर यह भी आरोप है कि पुलिस ने छात्राओं की तहरीर पर तुरंत काम नहीं किया। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। कल 4 लड़कियां आ रही थी स्कूल से, बच्चों के साथ बदतमीजी, पीछा करा गया और एक लड़की को इतनी चोट आई है कि वो अस्पताल में है और अभी मेडिकल होने के लिए गई हुई है। और हमें 4 ये लड़के, तो 2 बता रही हैं और एक इनका गुरु था जिनने भेजी थी, और लड़कियां बता रही हैं कि स्कूल से आ रहे थे तो हमारी कोई गलती भी नहीं थी, हम पैसे भी दे रहे थे सब कुछ, हमारा रुमाल वगैरह छीना गया है सब कुछ, और जब हमारी वीडियो वायरल करी गई है, वीडियो बना रहे हैं और थाने में हम कल से पड़े हैं सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। हम अपने बच्चों को लेके यहाँ पड़े हुए हैं, कल से कोई नहीं सुन रहा। लोनी गोल चक्कर सरकारी स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली 3 छात्राएं जो कि पढ़ने के बाद करावल नगर अपने घर जा रही थी, लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के इंदिरापुरी चौकी क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड के पास कुछ लड़कों द्वारा उनके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसका पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और 354 का घर तथा 7/8 पास को एकता मारपीट की धाराओं मुकदमा पंजीकृत कर 1 अभियुक्त सतीश को जेल भेज दिया गया। शेष 2 अज्ञात अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, शेष कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश का ये पहला मामला नहीं है। स्कूल जाते समय सड़क पर बाजार में मनचले अक्सर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस मनचलों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। लाइव टुडे के लिए गाजियाबाद से जावेद चौधरी की रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कुछ और सनसनीखेज वारदातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।